आज इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ का मैथ का क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, जो 7.1 क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, एक्स क्यू प्लस 5x² - 4 डिवाइडेड बाई x² dx। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस x² को सारे से डिवाइड कर दूँगी, तो क्या हो जाएगा, x³ / x², तो मेरा क्या बचेगा, x बचेगा। 5x² / x², तो क्या बचेगा, ये 5 बचेगा। फिर 4 / x², तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 4 / x², इसका मेरा क्या है, dx है। तो इसका x का इंटीग्रेशन करने के बाद मेरा क्या आ जाता है, x² / 2 आ जाएगा, और 5 का इंटीग्रेशन करने से मेरा 5x आ जाएगा, और माइनस का 4, और ये हो गया मेरा 1/x² है। तो 1/x² को मैं लिख सकती हूँ x^-2, तो मैंने x^-2 dx लिख दिया। और लिखने के बाद मैंने क्या किया, x^n+1, और n+1 ये मेरा होता है x^n का इंटीग्रेशन, उस पर इसको रखा। रखने के बाद ये मेरा क्या आ गया, x^-2+1 डिवाइडेड बाई -2+1 प्लस का c, c मेरा एक इंटीग्रल कांस्टेंट है। x² / 2 प्लस का 5x माइनस का 4, x^ ये क्या -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस का c आ गया। तो ये मेरा आंसर क्या आ गया, x² / 2 प्लस 5x + 4, ये x^-1 का मीनिंग होता है 1/x, तो ये 1/x हो गया, प्लस का c, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है।